मैं समीर कुमार पाठक, हिंदी विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज, बीए तृतीय वर्ष, कथेतर गद्य। आज भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी पर आपके साथ अपनी बात रख रहा हूँ। भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के प्रवर्तक हैं। 19वीं शताब्दी का जो हिंदी साहित्य है उसके प्रस्तोता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, और 1850 से लेकर के 1900 तक का काल हिंदी में भारतेंदु युग के नाम से ख्यात है। भारतेंदु हिंदी नवजागरण के जनक भी हैं, और भारतेंदु युग के सभी लेखकों ने 19वीं शताब्दी में आधुनिकता की दृष्टि से हिंदी गद्य के निर्माण में और हिंदी समाज के विचार चेतना के निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा की है। उस दौर में निबंध, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, रिपोर्टाज, आधुनिक गद्य की जितनी विधाएं हैं वह सब भारतेंदु युग में ही जन्म लेती हैं, विकसित होती हैं। भारतेंदु युग के लेखकों का उद्देश्य है राष्ट्रीय जागरण और अंग्रेजी राज की आलोचना। इस उद्देश्य से भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और स्त्रियों की जागृति के लिए बाला बोधिनी। अंधेर नगरी नाटक उनका 1881 में लिखा गया। उसी दौर में भारतेंदु ने एक निबंध लिखा, जातीय संगीत, और इस निबंध में चूंकि हिंदी का निर्माण ही हो रहा था तो उसमें उन्होंने विषय सुझाया कि किन किन विषयों पर हम साहित्य रच सकते हैं। खड़ी बोली में कविता लिखी नहीं जा रही थी, ब्रजभाषा की लंबी परंपरा थी, गद्य अभी बना ही था हिंदी में, तो इसलिए उन्होंने सुझाया कि लावनी में, कजरी में वगैरह वगैरह छंद में, लोक शैलियों में हम साहित्य रच सकते हैं और व्यापक जो जनता पर असर डाले उस तरह की चीज़ों का हम विकास कर सकते हैं। भारतेंदु का एक प्रतीकात्मक नाटक है भारत दुर्दशा, जिसमें भारत की बदहाली का वह वर्णन करते हैं और इसके लिए अंग्रेजी राज को जिम्मेदार ठहराते हैं, जिसमें वह कहते हैं कि आवह मिलके रोवह भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई। इसी तरह का एक लोक शैली का नाटक है अंधेर नगरी, और यह मुहावरे में जिसको लंबी लोकोक्ति है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, एक बिहार के जमींदार पर कहते हैं कि एक बिहार के जमींदार को केंद्र में रख करके भारतेंदु ने यह कहानी लिखी थी, यह नाटक लिखा था। लेकिन अगर उसे छोड़ भी दिया जाए तो यह लोकोक्ति बरसों से हमारे लोकमानस में चली आ रही है। भारतेंदु के जमाने में हिंदी का अपना थिएटर तो नहीं था, नाटक थिएटर रंगमंच तो विकसित नहीं हुआ था, लेकिन संस्कृत रंगमंच की लंबी समृद्ध परंपरा थी और लोक शैली, लोक आख्यान परंपरा, लोक नाटक की भी लंबी परंपरा थी, उससे भारतेंदु ग्रहण करते हैं और मिला करके बनारस में मशहूर बनारस नेशनल थिएटर की स्थापना करते हैं। और वह इसी के लिए यह 45 मिनट का कुल अवधि नाटक की 45 मिनट 1 घंटे की है। इस नाटक को केंद्र में रखकर वह लोक शैली में अंधेर नगरी की रचना करते हैं। यह नाटक प्रतीकात्मक है उस सामंती राज व्यवस्था के भीतर जो राजा की जड़ता है, राजा का अहंकार है, मतांधता है, उसकी अन्यायपूर्ण, अविवेकपूर्ण उसके निर्णय हैं। इसके साथ साथ भारतेंदु इसमें ध्वनि अंग्रेजी राज की डालते हैं और यह इस नाटक को प्रासंगिक बनाता है तब भी और अब भी। आज़ादी के बाद 1965 में सत्यव्रत सिन्हा ने इसका मंचन किया दिल्ली में और आधुनिक वेशभूषा में उसको मंचित किया, जिसमें वह सामंती परिवेश की वेशभूषा नहीं थी। बाद में बाबा कारंत ने 60s के दौर में इसका मंचन किया, वो भी दिल्ली में, और इसमें नए ढंग से अर्थ खुल के आया अंधेर नगरी नाटक का। कुल नाटक में कुल 6 दृश्य हैं, 3 दृश्य जंगल के हैं, 1 राज्यसभा का है, 1 बाजार का है और 1 शमशान का है। और भारतेंदु उस पुरानी कहानी को जो लोकमानस में बनी हुई है कि महंत, एक महंत जिनके 2 शिष्य नारायण दास और गोवर्धन दास को लेकर के
भिक्षाटन के लिए वह निकलते हैं और एक जाते हैं राज्य में, तो कहते हैं कि अपने बैठ जाते हैं जंगल में, कहते हैं कि जा करके राज्य से तुम ले आओ कुछ मांग करके भिक्षावृत्ति ले आओ। दोनों जाते हैं, एक पूरब दिशा में एक पश्चिम दिशा में, और एक आता है अपना कोई मामूली सी चीज़ ले करके, अन्न और खाने पीने की कुछ चीज़ें, और एक ले आता है खूब सारी पूरी मिठाई जलेबियाँ खूब सारी, और कहता है कि एक ऐसा राज्य है जिसमें सब कुछ टके से ही मिलता है, सब कुछ टके सेर, कुछ भी लेना हो तो वह टके सेर, टके में एक सेर मिल जाता है। गुरु कहते हैं महंत महंत जी कि बेटा ऐसे राज्य में नहीं रहना चाहिए जहाँ किसी चीज़ का मोल न हो, किसी चीज़ की कीमत न हो, इसलिए इस राज्य को छोड़ दो। और नारायण दास गुरु के साथ चला जाता है और गोवर्धन दास कहता है कि नहीं मैं तो यहीं रहूँगा यहाँ कुछ करने। तो यह वृत्ति भारतेंदु दिखाना चाहते हैं, लोभ, लोभ के वशीभूत हो करके वह उसी राज्य में रह जाता है जो सब कुछ जिसमें टके सिर मिलता है। और अंत में चले जाने के बाद गोवर्धन दास थोड़े मोड़ी भिक्षाटन करके और वहीं आराम से खाता है पीता है आराम से रहता है, क्योंकि उस राज्य में एक दृश्य है बाजार का, उस अंधेर नगरी जो राज्य है उसके बाजार का दृश्य बहुत कुछ कहता है। चूरन बेचने वाला है, दवा बेचने वाला है, फल बेचने वाली कुजड़िन है। वो कहते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान का सबसे बैर और फूट यहाँ मिलता है, या बैर फूट आपसी फूट अलगाव और बैर एक दूसरे से ईर्ष्या, मानो यह हिंदुस्तान का स्थाई भाव हो गया हो। यह उस बाजार के दृश्य से चूरन चूरन बेचने वाली गाती है कि चूरन जो यह खा लेता है वह समूचा हिंदुस्तान हजम कर लेता है, ऐसा इस चूरन की विषय। तो इसमें जो एक व्यंग्य है, कहता है कि चूरन सभी महाजन खाते जिससे जमा हजम कर जाते, सारा हिंद हजम कर जाते। जितने महाजन हैं सुदखोरी की जो प्रथा साहूकार हैं यह सब यही चूरन खाते हैं और सब कुछ को हजम कर जाते हैं। एक उसी बाजार के दृश्य में आता है कि एक व्यक्ति है वह कहता है कि हम जात बेचते हैं, कोई चाहे तो पासी से ब्राह्मण हो जाए, कोई चाहे तो ब्राह्मण से हरिजन हो जाए, मतलब जात भी बिक रही है। यह जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की जो स्थिति है कि सब चीजें बिक रही हैं। धर्म ने भारतेंदु युग के ही एक मशहूर लेखक बालकृष्ण भट्ट ने कभी तभी कहा था कि हिंदुस्तान में धर्म रसना में आ गया, हिंदुओं की जिह्वा पर रसना में आ गया है धर्म। किसी के घर से कोई चीज खा लिया, किसी का छुआ पानी पी लिया, धर्म चला गया, मानो धर्म छुई मुई हो, धर्म जाने के लिए बैठा हो। यह भारतेंदु युग का लेखक देख रहा है और कह रहा है कि यह गलत है, ऐसे नहीं होना है। धर्म बिकने के लिए तैयार हो कि ब्राह्मण जिसको कहे तो इस जात से उस जात चला जाए, या फिर उसको अपने विधि विधान से पूजा पाठ कर ले तो उसका दोष का परिहार हो जाता है, संकेत यह है। वहां एक टका दो और अपनी जात बेच दो, ब्राह्मण से धोबी हो जाए, धोबी को ब्राह्मण कर दो, टके के वास्ते चाहे जैसी व्यवस्था कहो वैसी दे दें। ब्राह्मणों ने पैसे के लिए समाज में व्यवस्था देने का प्रावधान कर दिया है भारतेंदु, इसी काशी में रह के इस व्यवस्था पर, ब्राह्मणी व्यवस्था पर, धार्मिक व्यवस्था पर मानो अंधेर नगरी के माध्यम से चोट कर रहे हैं। और एक दृश्य राज्यसभा का, दो दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाजार का दृश्य बहुत बड़ा है जिससे 19वीं शताब्दी के हिंदुस्तान के भारत हिंदी समाज का जो सामाजिक परिवेश है उसका आकलन किया जा सकता है उस बाजार के दृश्य से। एक दृश्य है राज्यसभा का, जहां एक आदमी आता है चिल्लाते हुए कि महाराज हमें न्याय दीजिए, कल्लू बनिए की दीवाल गिरने की वजह से मेरी बकरी मर गई और हमें न्याय चाहिए। राजा कहता है कि नहीं, न्याय तो ऐसा होगा हमारे राज्य में कि इस जग में ऐसा कभी नहीं हुआ, न्याय होगा, बताओ क्या हुआ, बताता है। तो वो कहता है कि कल्लू बनिए की दीवार बुलाई जाए। मंत्री कहता है कि दीवार नहीं आ सकती, फिर कहता है कल्लू बनिए को बुलाया जाए। बनिया आता है, कहता है कि हमारा दोष नहीं है, यह जो बनाने वाला मिस्त्री है इसका दोष है। कहता है कि उसको बुलाया जाए, वो कहता है कि मेरा दोष नहीं है, इसमें जो चूना लगा है उसका दोष है। कहता है चूने वाले को बुलाया जाए,
चूने वाला कहता है कि मेरा दोष नहीं है, जो मशक पानी डालने वाला है उसका दोष है, वो कहता है कि उसको बुलाया जाए, क्योंकि न्याय तो होगा। यहां व्यंग यह है कि जो सत्ता है उसके सामने कैसा न्याय हो रहा है महत्वपूर्ण यह नहीं है, मानो न्याय होना महत्वपूर्ण है कि न्याय की जो खाना पूर्ति है यह दिखाना चाह रहा है लेखक, कि व्यवस्था जो है, सत्ता जो है, उसका मूल चरित्र न्याय की सत्यता में, न्याय की वस्तुनिष्ठता में नहीं है, बल्कि उसकी खाना पूर्ति में है। और अंत में वह कहता है कि यह मशक ने ये बना दिया और भेड़ भेड़ ने बड़ी भेड़ दे दी इसलिए उसने मशक ऐसी बनाई। कहता है कि गणेरिया को बुलाया जाए, गणेरिया आता है, गणेरिया कहता है कि मेरी गलती नहीं है, कोतवाल साहब आ रहे थे और मैं डर के मारे यह नहीं तय कर पाया कि छोटी भेड़ कौन है कि बड़ी भेड़ कौन है, मैंने बड़ी भेड़ दे दी। तो कहता है कि कोतवाल को ही बुलाया जाए क्योंकि न्याय तो होगा। कोतवाल आता है और कहता है कि इसको फांसी दे दी जाए। कोतवाल जाता है फांसी पर चढ़ने के लिए तो उसका फंदा बड़ा निकलता है, तो बताया जाता है कि इसका फंदा बड़ा है, इसकी गर्दन नहीं आ रही है। तो कहता है कि राज्य में खोज करके ले आया जाए मोटे गर्दन का एक आदमी, क्योंकि न्याय तो होगा। बार बार वह कहता है कि न्याय तो होगा, मतलब सत्ता की दिलचस्पी न्याय होने में नहीं है, न्याय दिखाने में है, कि न्याय दिखे, होते दिखे न्याय। और अंत में खोजते खोजते वहीं जो टके के सेर जलेबी खाने वाले गोवर्धन दास हैं, मोटे तगड़े, वहीं मिल जाते हैं और वह ले आए जाते हैं। और कहता है कि मेरी क्या गलती है, तो कहते हैं लोग पुलिस वाले कि भाई तुम्हारी गर्दन मोटी है और तुम ही फांसी चढ़ोगे, और वह फांसी पर चढ़ता है। इतने में कुछ पढ़ते हुए आवाज देते हुए वह गुरु को स्मरण करता है और महान जी आ जाते हैं, और महान जी उसके कान में कुछ कहते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद महान जी कहते हैं कि नहीं मैं फांसी पर चढ़ूंगा, वह कहता है कि मैं चढ़ूंगा, वह कहता है। इसी नोकझोंक में राजा पूछता है कि क्या बात है, तो बताते हैं कि एक ऐसा मुहूर्त है कि जिसमें सीधे आदमी अभी जिसकी फांसी होगी वह जन्नत चला जाएगा। राजा कहता है कि नहीं, तुम दोनों में से कोई नहीं चढ़ेगा, मैं खुद चढ़ूंगा। भारतेंदु ने लिखा है कि अंग्रेजी अकाल और महामारी अंग्रेजी राज का घर है। अंग्रेजी राज के आगमन से पहले भारत में महामारी और अकाल, यह जो रोग 19वीं शताब्दी में आप देख सकते हैं, आरसी दत्त की किताब फेमिन इन बंगाल और आरसी दत्त की किताब इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जितने अकाल पड़े हैं वह सब अंग्रेजी राज में पड़े हैं। मुगल काल में अगर छोटे बड़े अकाल पड़ते भी थे तो राजतंत्र, राजा के द्वारा अपनी प्रजा को अन्न और उच्च चीजें दी जाती थी, खैरात दी जाती थी। अकाल, मानो भारतेंदु कहते हैं कि अकाल अंग्रेजी राज का घर है, यहीं बस गया अकाल आकर के पूरे ब्रिटिश पीरियड में। इसकी तस्दीक की बाद में ये अर्थशास्त्र के और राजनीति विज्ञान के लेखकों ने, इतिहास के लेखकों ने, कि अंग्रेजी राज में कितने अकाल पड़े, भारतेंदु इसको देखते हैं। और अविवेकपूर्ण निर्णय, अंग्रेजी राज की दिलचस्पी इसमें नहीं है कि न्याय हो, उसकी दिलचस्पी इसमें है कि जनता में न्याय का एक भरोसा हो कि नहीं इसमें न्याय होता है, सत्य है गलत है, इसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। यह मानो अविवेकपूर्ण निर्णय, न्याय के पीछे उसका तंत्र क्या काम कर रहा है, भारतेंदु इस माध्यम, इसीलिए यह नाटक अपने मूल ध्वनि में अंग्रेजी राज की चेतना से निकल करके आज भी आकर के प्रासंगिक हो जाता है। जहां जहां सत्ता की व्यवस्था की निरंकुशता होगी वहां वहां अंधेर नगरी नाटक प्रासंगिक होगा। इसके नाटक की अभिनेता की दृष्टि से इसकी भाषा में ब्रजभाषा, खड़ी बोली और उर्दू तीनों की शब्दावली भारतेंदु ने ली है, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए एक ऐसी भाषा की जरूरत है जिसे सब समझ रहे हों। इस नाटक में पद्य भी है और गद्य भी है। पद्य के माध्यम से भारतेंदु उस मूल, जैसे उस बाजार के दृश्य में वो जो कुजड़िन जो गाती है, उससे उसकी यथार्थता का बोध होता है कि बनारस का बाजार और बनारस के बाजार में
या किसी भी लोक क्षेत्र का बाजार और उस बाजार में जो बोली लगाने वाले, फेरी लगाने वाले, उसकी यथार्थता का भान होता है। इसलिए भारतेंदु ने जो भाषा चुनी है, जो पद्धति चुनी है, वह लोक नाटक, लोक चेतना की पद्धति है, जिसके माध्यम से उसकी यथार्थता, उस परिवेश की यथार्थता, यथातथ्यता, इसका बोध होता है। और अभिनेता की दृष्टि से पूरे नाटक में दो ही स्त्री पात्र हैं, तो अगर चाहें तो पुरुष पात्र के द्वारा भी उसका अभिनय कराए, चूंकि 1881 के दौर में स्त्रियों को नाटक पर मंचन करने का बहुत सब सहूलियतें उपलब्ध नहीं थी हिंदी प्रदेश में। हमारे यहाँ नाट्य मंच, रंगमंच इतना उन्नत नहीं था। इस दृष्टि से भी भारतेंदु ने दो स्त्री पात्र हैं और छओ दृश्यों में, छओ दृश्यों को आप चाहें तो बंद थिएटर में भी फिल्मा सकते हैं और खुले ओपन थिएटर में भी दिखा सकते हैं, मंचन कर सकते हैं। इसलिए इस दृष्टि से भी भारतेंदु का यह नाटक अभिनेता की दृष्टि से भी अत्यंत सार्थक है। तो अपने कथ, रंग दृष्टि और शिल्प चेतना के स्तर पर यह नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना यह 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में प्रासंगिक था। धन्यवाद।